जोत जग रही है, भीतर जोत जग रही है। जोत जग रही है, जोत जग रही है, भीतर जोत जग रही है। कितनी प्यारी कुल दुनिया की माँ लग रही है, जोत जग रही है, भीतर जोत जग रही है, जोत जग रही है, अंदर जोत जग रही है। जली मंदिर में मस्जिद में रूप चिराग का, जोत जली मंदिर में मस्जिद में रूप चिराग का, चर्च में कैंडल ज्योति हर घर से इसका वास्ता, चर्च में कैंडल ज्योति हर घर से इसका वास्ता। इसीलिए तो कुल धर्मों की माँ लग रही है, जो जग रही है, भीतर जो जग रही है। तुझ में सब में एक जोत ही बोलेगा, मुझ में तुझ में सब में एक जोत ही बोलेगा। जोत सत्य है जग में, बाकी सब झूठ कहा। जोत सत्य है जग में, बाकी सब झूठ कहा। जोत अमर है, अमर जोत ही माँ लग रही है, जोत जग रही है, भीतर बाहर जग रही है, चहों दिशाओं में जग रही है, दशम द्वार जग रही है।
बाहर जग रही है, हृदय द्वार जग रही है, जो 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 जग रही है। जीवन ज्योत जो पल पल जगमगा रही है, आइए उसी की परिक्रमा में उतरें, उसी में प्रकाशित होकर के अपने जन्म को सुधार लाएं, अपने जन्म को सार्थक कर लाएं। टेकिंग ए टूर ऑफ विश्वास मेडिटेशन इनटू इनर थारन, व्हाट ए वंडरफुल इनर जर्नी, फ्रॉम रिचुअल्स टू रियलाइजेशन, फ्रॉम टेंशन टू ट्रैंक्विलिटी, फ्रॉम स्ट्रेस टू सेरेनिटी, फ्रॉम नॉन टू अननोन, फ्रॉम एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट, फ्रॉम माइंड टू द मास्टर, फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन, लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस इनर जर्नी दैट इज लाइफ जर्नी, दो इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी बट वेरी रिवार्डिंग जर्नी, यू एंजॉय इट। बी सीयर, बी विटनेस, बी नॉन डूअर फॉर अ व्हाइल एंड वॉच, सिंपली वॉच इनसाइड। बाहर बिखरी हुई तमाम चेतना को, खंड खंड चेतना को शिव नेत्र से जोड़ते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम भीतर के नेत्र हो जाते हो, तुम स्वयं शिव नेत्र हो, तुम साक्षी दृष्टा अकर्ता होकर के लगातार देखते रहना, सहज अवस्था में रहना, सहजता। एकमात्र सहजता, सहज पूर्वक देखते चले जाना। मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ करना नहीं, तुम अकर्ता होकर के देखते रहना, केवल देखना, दृष्टा हो जाना, भीतर के साक्षी हो जाना, साक्षी होकर के देखते रहना, विटनेस हो जाना, जो भी देख रहा हो उसके विटनेस हो जाना, केवल देखना, भीतर की गति को देखते चले जाना। ये जन्म यूं ही गुजरता चला जा रहा है, बाहर देखते देखते भीतर सारा कचरा भरता चला जा रहा है, विचारों विकारों विकल्पों का डस्ट सारा कीचड़ बनकर के भीतर की कल्पनाओं में यूं ही नष्ट होता चला जा रहा है। मन की कल्पनाओं ने, मन की आकांक्षाओं ने, मन की एक्सपेक्टेशंस ने, मन की आपाधापी ने अनमोल सांसों को लूट लिया, दो कौड़ी का न छोड़ा। ये दुर्भाग्य विदा करना, ये दुर्घटना ना होने देना, तुम भीतर की ओर जागना, बहुत जागे हो बाहर के प्रति, बहुत जागे हो धर्म कर्म के प्रति, बहुत पुण्य कर्म करते करते तुम गिनते गिनते थकते नहीं, बहुत अस्मिता का अंधेरा पिरोया है तूने अपने ही भीतर, अपने ही मकाम में अंधकार छा गया है। ये अमावस विदा करना, बहुत
बहुत जागरण किए बाहर बाहर ही रह गए, भीतर के द्वार को खोल ना पाए, भीतर जगमगा ना पाए, भीतर की आंख शिव नेत्र में उतर ना पाए। हम स्वयं ना जाग पाए, उसकी पुकार लगातार उतरी किंतु हम सुन ना पाए। हम बाहर बाहर मनाते रहे, हम जाग ना पाए, अपने भीतर के अंधेरों को दूर ना कर पाए, अपनी अमावस को दूर ना कर पाए, हम सहस्रार के शिखरों को न चुन पाए, हम अपने आज्य चक्र पर विराजमान होकर के सन चक्र में उतर करके स्वयं को जगमगा ना पाए। अनेकों बार अवसर आए, हर बार हमने यूं ही कर्म कांडों में क्रिया कांडों में अब की बेर यूं ही ना जाने पाए। इस अवसर स्वयं की जो जलाने में लग जाए, मेडिटेशन इज अ रियल चैलेंज टू स्ट्रेस। मेडिटेशन के प्रोसेस में रहने वाला मनस्तल को स्वस्थ कर लेता है, बौद्धिक तल को शार्प कर लेता है और आत्मिक तल को जगमगा लेता है। शारीरिक तल पर आए हुए तमाम हालातों को फेस करने की ताकत संजो लेता है। ये भक्ति और शक्ति के दो बैलेंस एंड बलिस के दो पंख लगाकर के उड़ता है। ये रसायन तेरे पास है, थोड़ा प्रयोग में उतार, अपने अनुभव में उतार। अनुभव परम संपदा है, अपने भीतर को जगमगा ले, बाहर तेरा सब कुछ जगमगा जाए। अपने हृदय को उघाड़ लेना, जागी रहना और या उसकी प्यास में डूबते चले जाना। You will gain a lot of energy, love, fitness, willpower, concentration power. You will attain a lot of bliss, not only peace of mind. You will gain a lot of bliss. Oh.
ओंकार आमीन। दर्द से मेरा दामन भर दे, प्यास से मेरा दामन भर दे, ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ मेरे सच्चे यार, ओ मेरे परम पिता, ओ मेरे सब कुछ, मेरे मालिक, अपने प्रेम का दर्द, अपनी प्यास का दर्द, अपने विरह का दर्द एकमात्र दर्द प्रदान करना, तेरी पीठ नहीं चाहिए, तेरी याद का दर्द चाहिए, तेरा दिया हुआ दर्द है, तेरा दीदार है जिसमें तू 24 घंटे झलकता है। ये विरह ही एकमात्र विराट स्वरूप है तो सदा दिव्यमान है। तेरी प्यास, तेरी दीवानगी, तेरा दर्द, तेरी परवानगी एकमात्र इसी से मेरे जीवन का दामन भर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, एकमात्र तेरा दर्द चाहिए। दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे।
तारी कब मांगे। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे। रोशन दिल बेदार नजर दे फिर चाहे दीवाना कर दे। फिर चाहे दिल बेदार नजर दे फिर चाहे दीवाना कर। फिर चाहे दीवाना कर। तीर्थराम मैथमेटिक्स के प्रोफेसर लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज में तैनात। एक रात लगातार सोए नहीं, सारा तकिया भिगो के रख दिया अपने विरहा। अग्नि से उतरे हुए छलकते हुए सागर से दोनों आंखें दोनों नजरें रात दिन उसकी याद में डूबी हुई, तड़पती हुई तरसती हुई, नींद का नामो निशा नहीं लेती। परंतु एक रात सागर छलक उठे, प्रातःकाल कॉलेज में जाता है तो अपनी विरह अग्नि में कदम उठाते हुए डूबे हुए अपनी प्यास में बाहर की बेहोशी है, भीतर होश पूर्ण चले जा रहा है। आगे सफाई कर्मचारी लेडी ने बहुत दस्त उठा रखा, झाड़ू दे रही, किंतु प्रोफेसर को कुछ सूझ नहीं रहा। उस उठती हुई धूल में से ही गुजरने लगा तो एकदम उस सफाई कर्मचारिणी ने कहा, प्रोफेसर साहब एक तरफ हो जाइए, एक तरफ हो जाइए, सारी रात स्ट्रगल में है, क्या करने के लिए बचपन उतरा था मेरा हम और क्या हो गया। जवानी सारी की सारी सरे बाजार बिक रही है, बड़े बड़े लॉजिक बड़े बड़े तर्क के हिसाब किताब कर रही है, सरे बाजार बिक रही है मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरी प्यास, बहुत अरमान लेकर के जो संजोई वो प्यास लड़खड़ा रही है, जीवन सारा बिकता चला जा रहा है दो कौड़ी के भाव। स्वामी विवेकानंद को लाहौर में सुनने के पश्चात ये विरह और भी बढ़ा, इतना बढ़ गया कि वो किसी कदम पर भी शांत होने वाला नहीं, अग्नि की तरह जल उठा विरह, अगन जली, कोई फैसला नहीं हो पा रहा, किधर जाओ, कहां जाओ, कैसे जाओ, कौन बाजू पकड़े, कौन उस दिशा की ओर ले जाए,
कौन सहारा बने मेरा, यही विचार अपने भीतर चल रहा है रात दिन। और उस सुबह तो कमाल हो गया, उस सफाई कर्मचारिणी ने कहा, प्रोफेसर साहब और आगे मत आइए, सारा डस्ट सारी धूल तुम्हारे वस्त्रों पर पड़ जाएगी, आप जरा होश पूर्ण कदम उठाइए, जिधर से मैं झाड़ू दे रही हूं उधर मत आइए, दूसरी तरफ से जाइए, आपको क्या हो गया, आप एक तरफ हो जाइए। प्रोफेसर साहब एक तरफ हो जाइए, एक तरफ शीघ्र शीघ्र, नहीं तो सारी डस्ट तुम्हारे पे पड़ेगी। आंख खोल दी उस आवाज ने, एक तरफ हो जाइए। बिना प्रेजेंट लगाए रजिस्टर में वहीं से वापस लौट गए, चल पड़े उस दिशा की ओर जहां मार्गदर्शन मिलता है, जहां साहस हिम्मत जुटती है, जहां दीवानों की महफिल लगती है, जहां मस्तों की मस्ती के आलों में डूब करके मालिक की याद दिन रात बनती है, जहां जीवन की बगिया सजती है, जहां जीवन की कीमत पड़ती है, जहां जीवन का अस्तित्व हाथ लगता है, जहां जन्म सार्थक होता है, उस उत्तरकाशी की ओर चल पड़े। दुनिया की नजरों में, लाहौर की नजरों में, कॉलेज की नजरों में भगोड़े हो गए, किंतु अपनी नजर में भाग्यवान हो गए, अपनी आत्मा की नजर में भाग्यवान हो गए, यही कहते जा रहा है। दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे,